मणिपुर जल रहा है, भयावह त्रासदी है। राहुल गांधी जी वहां गए हैं लोगों में विश्वास और उम्मीद जगाने, और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो वाकई में दिल दहलाने वाली हैं। वो वाकई में बताती हैं कि हमारे अपने लोगों पर कितनी भयावह त्रासदी है, कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ झेल रहे हैं वो लोग। जो राहत कैंप की पिक्चर है उसको आशिया बुलाते हुए दिल कांपता है, कलेजा कांपता है। अपना सब कुछ गंवा चुके लोग छोटे छोटे बिस्तरों पर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं दो दो महीनों से। उनके आशिया जलकर राख हो गए, जीवन भर की संपत्ति स्वाहा हो गई, और आज वो हताश एक राहत कैंप में गुजर बसर करने को मजबूर है। राहुल जी के साथ बच्चों की तस्वीर एक उम्मीद जगाती है, लेकिन ये बच्चे क्यों लाचार हैं? ये महिलाएं क्यों रो रही हैं? क्यों इनके सब्र का बांध टूट गया और आंसू रुकते नहीं रुक रहे हैं? क्यों इनको लग रहा है कि कोई तो ऐसा है जो आकर आपकी टोह ले रहा है, आपका हालचाल जानना चाहता है, जो गले से लगाकर ये कहता है कि घबराओ मत, मैं हूं और हम मिलकर दुख और परीक्षा की इस घड़ी को पार कर लेंगे। मणिपुर की जो त्रासदी है, जो तस्वीरें हैं, वो अभी तक मीडिया ने आपको नहीं दिखाई, लेकिन कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो आपको दिखेंगी। राहुल गांधी जी के साथ महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, वो सब एक कहानी बयां कर रहे हैं। कहानी सरकार की असंवेदनशीलता की, उदासीनता की, एक ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की, और सबसे ज्यादा अपने हाल पर मणिपुर को छोड़ देने की। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी जिद कर ली कि वो आशा की किरण, उम्मीद का एक नया सूरज उगाएंगे और इन लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि ये देश आपके साथ खड़ा है और हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। तस्वीरें और भी आई, तस्वीरें आई प्रधानमंत्री मोदी की। आज मणिपुर जल रहा है, एक शब्द उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में मेट्रो से जा रहे थे साहब। ये अलग बात है कि मेट्रो स्टेशन पूरा खाली कर दिया गया था, पहले वो मेट्रो में अकेले बैठे दिखे, उसके बाद कुछ लोग आए। आज भी इवेंट बाजी मोदी जी, 2 महीने से तो आप इवेंट कर ही रहे हैं, उसमें अमेरिका और मिस्र की यात्रा शामिल है, उसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत शामिल है, आज भी इवेंट। कहां है न्याय, कहां है मर्यादा, कहां है लोक लज्जा? मणिपुर के लोग हमारे अपने लोग हैं, वो आस लगा रहे हैं कि उनके साथ न्याय होगा, और न्याय तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन आज एक फैसला इस देश को भी करना है कि आपको लीडर कैसा चाहिए। आपको लीडर मोहब्बत वाला चाहिए, आपको लीडर विश्वास जगाने वाला चाहिए, हर मुसीबत की और मजबूरी की घड़ी में आपके साथ खड़े रहने वाला चाहिए, जो सिर पर हाथ रख के ये बोल दे घबराओ नहीं, मैं आपके साथ हूं। या आपको लीडर ऐसा चाहिए जो इवेंट बाजी में और कैमरे में मशगूल रहे। ये फैसला आपको करना है, क्योंकि आपका फैसला आने वाले कल की दस्तक है, और वो आने वाला कल मणिपुर की उन संवेदन विहीन आंखों में दिखता है, वो आने वाला कल उन महिलाओं की मजबूरी में दिख रहा है, वो आने वाला कल उन बच्चों में दिख रहा है जो चुप थे, शांत थे, और राहुल जी के साथ खिलखिलाकर हंसती है। फैसला आपको करना है, लीडर मोहब्बत वाला या इवेंट जीवी।